शादी विवाह में भी भंडारा बनता था। क्यों? पूरी बनाते समय भी माताएं हंस करके गा करके पूरी बनाती थी और सेकने वाले भी भाव से सेकते थे। आज भोजन बहुत महंगा हो गया लेकिन उसमें भाव नहीं है, क्योंकि ना बेलने वाला भाव से बेल रहा है ना सेकने वाला, क्योंकि आज किराए के लोग लगे हुए हैं। पहले किराए के थोड़े ही होते थे, सब घर में ही बन जाता था। शादी विवाह होता था तो मनोरंजन के लिए नाचने वाली बुलाई जाती थी, वो मनोरंजन के लिए द्वारे नाचती थी, लेकिन घर का रोटी दाल सब्जी चावल घर की माताएं बनाती थी। अनुभव करिए, मैं पुरानी बात कह रहा हूं। भोजन घर की माताएं बनाती थी, नाचने वाली माताएं वो आती थी कोई नाचने के लिए, एक दो घंटे द्वारे नाच कूद होता था तो वो नाचने वाली किराए पे आती थी। अब हमने देखा कि भोजन वाली किराए पे, और आगे कहेंगे नहीं, अब क्या कहें बताइए साहब, चूंकि अब किसी को फुर्सत हो तब ना, तो भोजन वाले किराए पे लगाए जा रहे हैं आजकल, और बाकी तो साहब किसी को फुर्सत नहीं है। कुछ चीजें इतनी गलत आप अपने घरों में प्रवेश कर रहे हैं जो कल आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। पूरे समाज को सावधान कर रहा हूं व्यासपीठ से, माता बहन बेटी भाई जो बैठे हैं सावधानी पूर्वक सुने। व्यासपीठ आपको एक सावधानी की बात बताने के लिए यहां प्रतिबद्धता से मैं कह रहा हूं, हम लोग किसी के घर में पूजा पाठ कराने जाएंगे तो आप कभी भी देख लेना, किसी माता बहन बेटी को तिलक भी अपने हाथ से नहीं लगाते, उसके लिए उसके हाथ में दे देते हैं कि तुम लगा लो। ध्यान रखिए, ये मर्यादा का पालन पूरे शादी भर में हम लोग करते हैं, लेकिन आज बड़े शर्म की बात है कि आज शादी विवाह में कपड़े पहनाने के लिए लड़के आ रहे हैं, मेहंदी लगाने के लिए लड़के आ रहे हैं, उसमें आपको कोई शर्म नहीं लग रही। क्या तमाशा आप लोग कर रहे हैं? तो क्या मर्यादा है? कोई मर्यादा है? अभी एक और नया तमाशा चला है, जयमाला कोई कम था क्या? रिंग सेरेमनी कम था क्या? अभी एक नया चला है कि शादी के पहले लड़का लड़की दोनों फोटो खिंचवाने जाएंगे और फिर उसका वो तमाशा बनेगा, वो दोनों शराब पियेंगे, फिर दोनों हुक्का पियेंगे, फिर वो दोनों क्या बोलते हैं, अरे भाई नाम लो क्या आजकल चला है, मेरे को प्री वेडिंग बताइए, क्या तमाशा है प्री वेडिंग? ये कोई तरीका है? शादी के पहले दोनों जा रहे हैं, फोटो खींचेगा और कहां कहां घूमेंगे, ये सब चला है? हमने तो अभी सुना है, देखा नहीं है, अभी भी कोई बता रहा था हमें, कुछ दिन पहले ही चला है। उमें ये क्या है? आप विचार करिए, हंस के मन निकालिए। मान लो कल कोई बात हो गई, शादी नहीं हुई, तो ये कितनी गलत बात है कि लड़का लड़की स्वतंत्र होके दोनों अकेले घूमने जाएंगे, शादी के पहले जाएंगे, बाद में जाएं ये तो ठीक लग रहा, पहले फोटो खिंचेंगे और फोटो में भी इतनी स्थिति खराब की वो शराब का गिलास लेके फोटो खिंचाएगी, वो हुक्का पीते हुए खिंचाएगी, ये क्या है? जरूरत से ज्यादा जो हम लोग अपने को आधुनिक बनाते जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कल इसका परिणाम धीरे धीरे बड़ा गलत होता चला जाएगा। हम किसी को कुछ समझते ही नहीं है, कोई मर्यादा ही नहीं है। तो हम आपको पुनः कथा के माध्यम से ये निवेदित करते हैं कि हम स्वतंत्रता के पक्ष में हैं लेकिन स्वच्छंदता के पक्ष में नहीं है। आप स्वतंत्र रहें लेकिन स्वच्छंद हो जाएं, ये ठीक नहीं है। आप अपने विचार के लिए, अपने जीवन के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता समाज में कोई गलत संदेश दे रही है तो वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता कहलाती है, उसमें मर्यादा का तो ज्ञान है।